आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं बजट घोषणा में जनजातीय क्षेत्र के लिए पहली बार निष्पक्ष जनहित की बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, जिससे जनता को सीधा राहत मिलने वाली है। जनजातीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी ने बड़ी सौगात देते हुए 220 केवी जेसेस वजाग्रा सागवाड़िया बांसवाड़ा सागवाड़ा पादड़ी डूंगरपुर की बड़ी बड़ी घोषणाएं, बिजली कटौती से राहत देने का काम हमारे क्षेत्र के लिए हुआ है। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी में सड़कों के लिए हमारे मोड़ी घाटोल गढ़ी विधानसभा को जोड़ने के लिए 32 करोड़ रुपया, सुन्नी से कोहाला 15 करोड़ रुपया, सरेड़ी से राठड़िया पालोदा 20 करोड़ रुपया, डूंगरपुर के अंदर सागवाड़ा बनकोड़ा 10 करोड़ रुपया। टीएसपी क्षेत्र में ये घोषणाएं करके हमारे टीएसपी क्षेत्र के लोगों को सड़कों की एक बहुत बड़ी सौगात दी है। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अजमेर से बांसवाड़ा 358 किलोमीटर जो कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का जो घोषणा हुई है और उसमें हमारे क्षेत्रों को जोड़ा गया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना सहभागिता योजना लागू करके जन सहभागिता के काम करने का एक मार्ग प्रशस्त किया है। पहले गुरु गोलकर की योजना जो चल रही थी, जिसको कांग्रेस सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया था। नगर पालिका प्रतापपुर में सतोरी नदी पर एनीकट सौंदर्य, बांसवाड़ा समय माता सौंदर्यकरण, ऐसे बड़ी बड़ी घोषणाएं और काम करके हमारे टीएसपी क्षेत्र में बहुत अच्छे काम आने वाले समय में होने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जनजातीय क्षेत्र के जो भी महापुरुष हुआ करते थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट घोषणा में लेकर के हमारे डूंगर बरंडा, डूंगरपुर, बासिया सरपोटा, बांसवाड़ा और वीर बालिका कालीबाई के नाम संग्रहालय खोलने के लिए 25 करोड़ की जो घोषणा की, वो हमारे एक ऐतिहासिक घोषणा है। परंतु मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें हमारे शहीद नाना भाई राणा पूंजा का संग्रहालय में भी नाम जोड़ना आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व वर्तमान सरकारों को धन्यवाद देता हूँ कि 1977 के बाद पहली बार हमारे प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जी की सरकार के बाद, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज़ादी के बाद आई है, कांग्रेस की, उन्होंने हमारे जितने टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो बलिदान देने वाले, चाहे मानगढ़ धाम की बात हो, गोटियाबा धाम की बात हो, चाहे बेणेश्वर धाम की बात हो, उसके विकास के लिए जो योजनाएं बना करके कार्य प्रारंभ करके आज इस उन स्थलों का एक सौंदर्यकरण किया, ये कार्य हमारे लिए एक ऐतिहासिक कार्य है। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने राजनीति के अंदर ST SC OBC को आरक्षण दे करके सभी लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में जोड़ने का काम किया, चुनाव लड़ने का मौका दिया, और 95 में जब हमारी सरकार 91-92 में थी, TSP क्षेत्र का अलग से आरक्षण दे करके हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम पहली बार किया गया। माननीय सभापति महोदय जी, 1977 के बाद जनजाति मंत्रालय का गठन हुआ और पहली बार केंद्र में जनजाति मंत्रालय का गठन हुआ, तब से TSP क्षेत्र का विकास की गति हमें प्राप्त हुई और पूरे क्षेत्र में सभी तरह के काम होने प्रारंभ हुए। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय भजनलाल जी सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे TSP क्षेत्र में
बाप नाम की पार्टी का गठन करके कांग्रेस ने आत्मसमर्पण पर करके हमारे आदिवासी युवाओं को भ्रमित करके जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है। आज जैसे बिल प्रदेश की मांग हो, चाहे विभिन्न प्रकार का जो सांप्रदायिक फैलाने का काम है, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इस कारण से आज हमारे क्षेत्र के अंदर एक आतंकवाद फैलाया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर आए दिन रात में पत्थरबाजी होना, लूटपाट होना, ऐसी अनेक घटनाएं जो हो रही हैं। मेरा आज आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूरे क्षेत्र में हमारे लोग जो भागड़ के गुजरात जाते हैं और कई लोगों पर ऐसे 84 विधानसभा क्षेत्र में हमले हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, जो जग जाहिर हैं, उसके खिलाफ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मेरा आपसे निवेदन है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भजनलाल जी की सरकार में TSP क्षेत्र के लिए 1000 की जगह 1500 करोड़ करके TSP क्षेत्र के विकास के लिए पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, कृषि कार्य की समस्याओं के समाधान के कई कार्य जनहित में होने वाले हैं। मेरी विधानसभा गढ़ी में जनजाति बच्चों के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूँगा कि 100 छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर भवन सहित खोलना आवश्यक है। असज्जित क्षेत्रों में नदी नालों पर सौर ऊर्जा चलित सिंचाई लिफ्टों की आवश्यकता है। माननीय मंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि विद्यालयों के कक्षा कक्षों का निर्माण, हैनीकट पुलिये, गांवों को जोड़ने वाली डामरीकरण सड़कें, स्वास्थ्य चिकित्साएँ, आंगनबाड़ी, मांपाड़ी आदि भवनों का निर्माण आवश्यक है, उनको प्राथमिकता के आधार पर करने का मैं निवेदन करता हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के आस्था के केंद्र को पर्यटक हब से जोड़कर रोजगार के हब अवसर बढ़ाना आवश्यक है। जैसे बेणेश्वर धाम से त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, माई डैम से घोटियांबा, से मानगढ़ धाम से अर्तुनिया हनुमान, गलियाकोट शीतला माता शक्तिपीठ, बोहरा समुदाय का विश्व विख्यात दरगाह खड़गदा, भेड़माता, सोमनाथ, डूंगरपुर, केसरिया जी से उदयपुर, ये जो TSP क्षेत्र हमारा है उसको अगर पर्यटक हब बनाया जाता है तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और हमारे क्षेत्र का जो दार्शनिक स्थल हैं उन स्थलों का विकास भी होगा। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2021-22-23 में कांग्रेस की सरकार में बांसवाड़ा जिले में गरीब लोगों के नाम से फर्जी ID बनाकर और 15 से 20 लाख रुपया पेंशन के रूप में उठा ली गई और उसकी जांच आज दिन तक नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी वही बैठे हुए हैं और इसके बारे में कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच करके जिन लोगों ने गरीबों की जो ये राशि उठाई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वसूली की जाए। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि मेरी विधानसभा में छात्रावासों की मरम्मत नवीनीकरण आवश्यक है एवं नए छात्रावास ग्राम पंचायत पनासी, बड़ी रोवाल, ग्राम पंचायत बिलोदा, ग्राम पंचायत तलवाड़ा, चिड़ियावासा, कुशलपुरा आदि स्थानों पर छात्रावास खोलने आवश्यक हैं एवं समस्त प्रकार के पेंशनों में बढ़ोतरी, बुजुर्गों के फिंगर नहीं आते हैं उसका विकल्प किया जावे, पेंशन रुकी हुई है एवं परिवार में किसी अन्य सदस्य ने कहीं बैंक से लोन ले रखा है तो उनके परिवार के लोगों के खाते सील कर दिए जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पेंशनधारी के नाम से लोन नहीं है लेकिन परिवार में किसी अन्य का लोन होने से बैंक उनको पेंशन नहीं देती है, पेंशनधारी ज़्यादा परेशान है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बारे में कार्रवाई कर बैंकों को पाबंद किया जाए कि इन पेंशनधारियों को समय पर भुगतान किया जाए। माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थावरचंद।